जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूपीसीडी न्यूज को। महानवमी या दुर्गा नवमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। यह देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच लड़ाई का अंतिम दिन है। दुर्गा माता की नौमी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। इसके अलावा यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां हासिल हो जाती हैं। महानवमी की शुरुआत पवित्र स्नान से होती है। इसके बाद देवी दुर्गा या माँ दुर्गा की प्रार्थना की जाती है। बता दें कि नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम रूप है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में लीन होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा उनका मन सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर पवित्र हो जाता है। महानवमी के दिन माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर पर अंतिम हमला किया था और अगली सुबह विजयदशमी पर जीत हासिल की थी। वास्तव में विजयदशमी के मायने विजय है, यानी जीत, और दशमी का मतलब 10वां दिन है। विजयदशमी को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इसमें बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत होती है। महानवमी के दिन हवन पूजा किया जाता है। हम आपको हवन में पड़ने वाली सामग्री बताते हैं। आम की लकड़ियाँ, बेल, नीम, पलाश का पौधा, कलीगंज, देवदार की जड़, गूलर की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, बेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलेठी, अश्वगंधा की जड़, बहेड़ा का फल, हर्रे और घी, शक्कर, जौ, गुगल, लोबान, इलायची और अन्य वनस्पतियों का बूरा, गाय के गोबर से बने उपले घी में डुबोकर डाले जाते हैं। साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है, जिसमें कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है।